are live. Hopefully you guys are seeing this animation. Wonderful. 30-30 स्टेम में आपका स्वागत है. मैंने सोचा आज शुरू में आपको चालू करने के पहले एक छोटी सी झलकी दिखा देता हूँ. ये पिछले ही हफ्ते इसी हफ्ते हमारे साथियों ने बनाया है, नीरज और जनार्दन. देखिए क्या खूबसूरत चीज़ बनाई है. देख दिल कर खुश हो गया. सामने से देखेंगे तो 30 है, दूसरी तरफ से देखेंगे तो भी 30 है, और तीसरी तरफ से देखते हैं तो स्टेम आ जाता है. एक ऑब्जेक्ट है जिसको तीन तरफ से देखते हैं, 30-30 स्टेम. बहुत ही मज़ा आया. हमारी ये रुचि रहती है, हमारी ये उपयोग रहता है कि किसी तरह से हर हफ्ते कोई नई एक अनोखी चीज़ आपके सामने रखें 30-30 स्टेम के माध्यम से. ऑफकोर्स थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग 30-30 स्टेम, जिसका मैं सोच रहा था इसका अगर हम नाम दें तो क्या दें. 30-30 स्टेम वेयर वी ट्राई टू अनलॉक द ब्यूटी मैजिक एंड मिस्ट्री ऑफ साइंस एंड मैथ. गणित और विज्ञान कि को ज़िंदगी का तड़का अगर लगाना चाहें तो बेसिकली जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं उसमें जुड़ी हुई चीज़ें किसी तरह से हम एक्सप्लोर कर कर आपके सामने रख पाएँ. वही हर हफ्ते 4 बजे आपके सामने जब आते हैं तो उसकी लाइव जब आते हैं तो वो करने की कोशिश करते हैं. थैंक यू सो मच. बहुत सारे लोग पूरे देश भर से और जगह से भी जुड़ रहे हैं. मेरा नाम मनीष जैन है, मैं आपके सामने IIT गांधीनगर से बोल रहा हूँ. ये हमारा गांधीनगर है, ये हमारी लैब है जिसको हम सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग बोलते हैं, ऑडिटोरियम है. और पूरी देश भर से जो लोग जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद. इस हफ्ते कुछ लोग उड़ीसा से जुड़े हैं और महाराष्ट्र से काफ़ी सारे लोग और बिहार से जुड़े हैं. सबका बहुत बहुत धन्यवाद. विज्ञान प्रसार का भी धन्यवाद कि उन्होंने हमें सपोर्ट करा, CBSE ऑफ कोर्स एंड ICER पुणे. बड़ा इंटरेस्टिंग ये एपिसोड रहा. मुझे लगा कि मैं चालू इसी से करता हूँ. किसी राजेश जी का मैसेज आया कि हर हफ्ते रविवार को ऐसे इंतज़ार रहता है जैसे रामायण का रहता था. मेरे घर में टीवी नहीं है, मुझे याद नहीं है कि किस तरह से बहुत बचपन में जब रामायण आती थी तब की वो स्थिति है. बट थैंक यू सो मच राजेश जी फॉर दैट मैसेज. ऑफकोर्स आपको हम हर हफ्ते कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लाने की कोशिश करते हैं. इसी के कारण हमारे संडेज थोड़े से स्ट्रेसफुल हो गए हैं. सैटरडे संडे इनफैक्ट पूरा हफ्ता चला जाता है. थैंक यू सो मच. बट बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत ही प्रेम जो आपसे मिल रहा है. इतनी सारी मैसेजेस आती हैं जिसको पढ़ते हैं. पिछले हफ्ते हम लोगों ने धरती सूरज और चांद पर बात करी, हमारे पास सैकड़ों मैसेजेस आए. कम से कम 40-50 लोगों ने क्वेश्चंस पूछे. मैं सोच रहा था शुरू में बस एक मिनट लेकर आपका उसको रिकैप कर देता हूँ कि बहुत से जो अभी इस हफ्ते नए लोग जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग 4 मिसकंसेप्शंस जो हमने आपके हटाने की कोशिश करी. पहला, हमारे जो सूरज है कभी भी पूरब से नहीं निकलता और पश्चिम में नहीं छुपता, हिलता रहता है. सिर्फ 2 दिन साल में वहाँ छुपता है, पूरब और पश्चिम, बाकी 363 दिन इधर उधर होता है. धरती सूरज के चारों तरफ इलिप्स में नहीं जाती, गोल में जाती है. धरती पर सूरज और गर्मी दिन रात होने के लिए 4 कारण हैं. धरती का सूरज के चारों तरफ जाने से भी दिन रात होते हैं, और जो हमारा चांद है, हमारे जो ग्रहण होते हैं वो हर 28 दिन में नहीं होते, क्योंकि जो चांद है वो इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा जाता है, नॉट नेसेसरली यू नो इन दिस प्लेन. अगर इस प्लेन में जाएगा तो 28 दिन में होंगे. सो आई थॉट आई जस्ट टेक अ मिनट एंड रिकैप. बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही अच्छा ये बच्चों ने सोलर सिस्टम बनाया, और इधर गौरी और कुनो ने बहुत ही सुंदर अपनी प्लेट में ऑलमोस्ट मिठाई जैसी लग रही है वो बनाने की कोशिश की. थैंक यू सो मच फॉर दैट. दीज आर द क्वेश्चंस दैट पीपल हैव सेंड. और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कैरोल एवेंजेलिन थॉमस ने भेजा है कि क्या हमारी जिस तरह से चांद रिफ्लेक्ट करता है, क्या हम भी रिफ्लेक्ट करेंगे क्या? राइट, हमारे ऑफकोर्स वी ऑल्सो रिफ्लेक्ट, आर बॉडीज ऑल्सो रिफ्लेक्ट. इज जस्ट दैट कि जब हमारे ऊपर, और हम रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो हमें कोई देख नहीं पाएगा, तो हमारा बिहेवियर उसी तरह से चांद का होता है. अगर जो हमें देखने वाला हो वो अंधेरे में हो और हमारे ऊपर लाइट पड़े तो हम दिखेंगे, और देखने वाले को चांद बिल्कुल जैसे चांद ग्लो करता है हम भी ग्लो करते हैं. सो ऑफ कोर्स वी रिफ्लेक्ट. सो थैंक यू सो मच. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर टीचर्स एंड चिल्ड्रन टू आस्क दीज क्वेश्चंस. मुझे लगता है इस तरह के जब सवाल हमारे पास आते हैं, जो 13 सवाल लोगों ने, जो 13 सवाल यहाँ पर हैं और हमारे पास सवाल पड़े, जब इस तरह के सवाल हमारे पास आते हैं और हमें लगता है अब हमारी ये जो कोशिश है ये थोड़ी सी सफल हो रही है, क्योंकि हमारे अंदर ये साइंटिफिक टेम्पर अगर हमारे बच्चों के अंदर पैदा हो जाए तो बहुत ही, दैट इज़ द बेसिक गोल ऑफ द होल प्रोग्राम दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट फॉरवर्ड टू यू. ये मैं थोड़ा से फीडबैक देख लेता हूँ. नेहा यादव ने कहा कि अंडे पे अंडा, मतलब ये कहना ये चाह रही थी कि
ये नेहा यादव ये कहना चाह रही थी कि भाई इनको ऑफ कोर्स इनके टीचर ने काफ़ी बहुत बचपन में इन्होंने धरती को सूरज के चारों तरफ जाने के लिए एक गोला बना दिया था और टीचर ने काट के अंडा दे दिया और काफ़ी साइकोलॉजिकल स्कार रहा, और किसी तरह से जब इन्होंने हमारा एपिसोड देखा तो वो बात फिक्स हो गई। इन्होंने तो हमें बेस्ट टीचर अवार्ड दिला दिया। मैं ये 2 मिनट के लिए यहाँ पर आपकी ध्यान चाहूँगा। बेसिकली प्रवन जी, प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये कहा कि हमको बेस्ट टीचर अवार्ड मिले, बहुत ही अच्छी, आपकी शुभकामनाएं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं सिर्फ ये छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि मेरी निगाह में सभी सभी टीचर जो जुड़े हैं वो बेस्ट टीचर हैं। हमें बस अपनी अपनी खून पसीना, जैसे कोई कहता है कि रीढ़ की हड्डी से खून का पसीना निकालने के बराबर है कोई भी अगर हम नया काम करने की कोशिश करें। मेरे मित्र एक प्रवीण हैं, वो कहते थे। तो ऑलमोस्ट एवरी टीचर दैट इज़ जॉइंड हियर, हर कोई टीचर बेस्ट टीचर है, और बस किसी तरह से हम चाहते हैं कि आप लोगों के पास ये इंटरेस्टिंग चीज़ें पहुँच जाएँ, ताकि आपके माध्यम से हमारे बच्चों, जो हमारा असली भविष्य है, वो उजागर हो और हम भी उसी रास्ते पर चल पाएँ। सो थैंक यू सो मच प्रवीण जी फॉर दैट मैसेज। इनको गौरव के लास्ट क्वेश्चंस बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये जो किशोर जी हैं, ये इनको लास्ट क्वेश्चंस बहुत अच्छे रखते हैं। और अब मैं सोच रहा था कि आपको ये फीडबैक दिखाता हूँ, और इससे हम आप आज अपने एपिसोड की शुरुआत भी करेंगे। और जब तक ये बात चल रही है, तब तक मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 30-30 ये जो कार्ड्स जो हमने आपको ईमेल गई थी, आपने अपने अपने कार्ड्स रेडी करके रख लें, और जो लोग भाग देना भूल गए हों, डिवीजन करना भूल गए हों, वो रिवाइज़ कर लें। 678 को 5 से डिवाइड करना है। जुड़े रहिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कुछ समय में हम आपके सामने दिखाने की कोशिश करें। कार्ड्स अपने तैयार कर लीजिए। और ये आज के एपिसोड की शुरुआत करने के लिए मैंने सोचा कि आपको ये फीडबैक दिखा देता हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीडबैक है। आकी पूस पम रेखा, कल्पना जी ने भेजा है। कल्पना जी सॉरी, आपका मैसेज कुछ था, हमने उसका कुछ अभी मैं बताऊंगा क्या करा, बट आकी पूस पम रेखा औ हैस ईरन पतात आत हप, मतलब नहीं, पता नहीं कौन सी भाषा में इन्होंने भेजा है। इसेंशली मैसेज तो इन्होंने बढ़िया ही भेजा था, हमने इसको इनक्रिप्ट कर लिया। और असली में जो इन्होंने मैसेज भेजा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इनका मैसेज था, आपकी और आपकी टीम का की मेहनत को नमन, पूरे सप्ताह आपकी क्लास का इंतज़ार रहता है। थैंक यू कल्पना जी, सॉरी फॉर मैसिंग अप योर मैसेज, बट इसेंशली हमने सिर्फ ये करा कि आपके जो मैसेज को हमने एक पट्टी पर लिख दिया, एक साधारण सी पट्टी पर लिख दिया, और पट्टी ये रही मेरे पास, ये पट्टी, इस पट्टी को हमने इस चौकोन पे लपेट दिया, और लपेटने के बाद उस पर पूरा आपका मैसेज लिख दिया, और जब आप इस मैसेज को आप पढ़ेंगे तो ये आपको आपकी और आपकी टीम की मेहनत को नमन, पूरे सप्ताह आपकी क्लास का इंतज़ार रहता है। लेकिन पुराने ज़माने की बात है, आपको कोई इंटरेस्टिंग मैसेज अगर भेजना हो, आपको अगर कोई इंटरेस्टिंग मैसेज भेजना हो और लाइव करने के लाइव करने की काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। नीचे से शायद हमारी आवाज़ें आ रही हैं, होपफुली चली गई, थैंक यू। आपकी और आपकी टीम को बहुत बहुत नमन, पूरे साल आपकी क्लास का इंतजार। जब पुराने ज़माने में जब मैसेजेस हम, अगर कोई इंटरेस्टिंग मैसेजेस, कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज अगर भेजना हो कहीं पर, तो लोग क्या करते थे कि उसको भेजने के लिए ऐसे मेथड से एनक्रिप्ट करेंगे ताकि रास्ते में कोई उसको देखे तो पहचान ना पाए। और उसको ही, उसको करने का एक ये तरीका था कि एक आप कोई भी और किसी कारण से, मैं आपको ये आज इंक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ, एक एक चौकोन डंडी के ऊपर लपेट देंगे बेल्ट की तरह, और फिर इसको आप गले में पहन सकते हैं बड़े आराम से। और आपने ये पहन लिया तो ये आपका मैसेज हो गया। अगर ये बेल्ट किसी के पास पहुँच भी गई, अगर ये आपके ये बेल्ट आपकी किसी के पास पहुंच गई, तो भी कोई मैसेज का फर्क नहीं पड़ेगा, कोई पढ़ नहीं पाएगा। और यही कारण है कि ये सारे मैसेजेस को हम इनक्रिप्ट करके भेजते थे। और किस तरह से ये मैसेज असली में पढ़ा जाए, तो वो देखने के लिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चौथी, लेट मी जस्ट शो यू हियर, बिकॉज दिस इज अ डिवाइस विच इज़ 4-sided, इसको हर चौथा लेटर अगर हम देखेंगे, अगर हर चौथा लेटर अगर हम देखेंगे, तो वो अपने आप बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से
जैसे आ है, नीले में जो भी अक्षर आपको दिख रहे हैं, आ के बाद पांचवा अक्षर है प, और आप और आप की टी म, नीले नीले अक्षर को पढ़ेंगे तो वो आ जाएगा, फिर पहला पांचवा नौवां तेरहवां इस तरह से, फिर उसी के बाद इसी तरह से हर चौथा अक्षर आपके सामने वो चेंज होकर आ जाता है, और इसी तरह से ये पूरी इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको तैयार हो जाती है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, आपकी और आपके लिए ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही थी एनक्रिप्शन की, ये पुराने जमाने में जिस तरह से होती थी, और ये जो हमने चार वाली के ऊपर करा उसको ही अगर हम छह वाली के ऊपर कर देते तो कुछ और मैसेज हो जाता। ये भी हमने बनाया था, मान लीजिए आपको ये दिखाना हो 30-30 स्टेम स्पाइस मैथ एंड साइंस, और ये एनक्रिप्ट होके मैसेज ये वाला बन जाएगा 3SSMASOTPIANCI3E ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप अगली बार अपनी क्लासों में अगर कोई भी मैसेजेस भेजना चाहें तो बिल्कुल इसी तरीके से भेजिए, और बिल्कुल एनक्रिप्ट करके भेजिए। आजकल के ज़माने में एनक्रिप्शन का बहुत महत्व है। कोई भी मैसेजेस जब हम आपस में भेजते हैं, व्हाट्सएप पर सारे दिन लोग लगे रहते हैं, उसके मैसेजेस जब भी हम देखते हैं तो वो सारे मैसेजेस एनक्रिप्ट होकर जाते हैं, और वो काम एनक्रिप्शन का पहले तो इन चीज़ों से होता था, आप भी कर सकते हैं, लेकिन आज के ज़माने में सिर्फ कंप्यूटर्स वो काम करते हैं, और इस तरह से एनक्रिप्ट होते हैं कि मुश्किल है उसके उत्तर निकालना, और बीच में अगर कोई सुन भी ले या देख ले या परख ले तो उत्तर निकालना मुश्किल है। एंड द रीजन आई थॉट आई वांटेड टू स्टार्ट विद एनक्रिप्शन टुडे इज बिकॉज आर कंप्यूटर्स, आज की हमारी जो एपिसोड है वो कंप्यूटर और कंप्यूटर की गणित कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में है, और मुझे लगता है कि सबसे बहुत बड़ा काम जो हमारे कंप्यूटर्स कर रहे हैं कि हमारे मैसेजेस आपस में जो भेजते हैं एनक्रिप्ट करके भेजते हैं। एंड विद दैट आई वॉन्ट टू टेक यू टू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई विल टेक यू 80 ईयर्स बैक, 80 साल पहले 1940 द्वितीय महायुद्ध चल रहा है, जर्मनी जीत रहा है क्योंकि उनके पास एक मशीन है जिसको कि एनिग्मा मशीन बोलते हैं, एनिग्मा मशीन, और उस एनिग्मा मशीन के कारण जो लोग अपने जर्मनी आपस में मैसेजेस भेजता है, दुश्मन के पास वो मशीन है। मैं उस मशीन की आपको पिक्चर दिखाना चाह रहा हूं, ये देखिए शायद आपको इस मशीन पर वो पिक्चर, यहां पर आपको वो पिक्चर दिखाई, ये मशीन है, और इसके कारण जो मैसेजेस भेजते हैं दुश्मन के पास ये मशीन है, लेकिन तब भी वो मैसेजेस एनक्रिप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि इसकी स्टार्टिंग पोजिशन के जो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं वो 150 अरब हैं, 150 × 10⁻¹⁸, 150 अरब। उसमें से एक कॉम्बिनेशन है, जब तक आपकी मशीन उस कॉम्बिनेशन में नहीं आएगी तब तक आपको सही उत्तर नहीं मिल पाएगा। दिस इज द रीजन why जर्मनी इज विनिंग द वॉर, एंड दैट इज द रीजन, एंड दैट इज द रीजन why टू फिगर आउट वन आउट ऑफ एक 150 अरब में से एक अगर उत्तर आपको निकालना हो तो वो इंसानों का काम नहीं है, वो कंप्यूटर का काम है, और इसीलिए कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ। हम कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है परिवेश और परिपेक्ष और हिस्ट्री बतानी हमें निहायत ही ज़रूरी है। कंप्यूटर इसलिए नहीं बने कि हम पबजी खेलें या व्हाट्सएप करें, कंप्यूटर इसलिए बने थे ताकि जाने बचें। इस मशीन का कोड, और मैं आपको ओवरहेड में भी ये मशीन, मैं मुझे जानते हुए बड़ी खुशी है, बताते हुए भी बड़ी खुशी है कि ये जो मशीन आपको दिख रही है, ये मशीन और ये जो ये वाली मशीन है, भारत में मुझे लगता है हमारी ही एक लैब है जिसने ये मशीन बनाई है। दो साल पहले हमने नीरज पंकज ने मिलकर ये मशीन बनाई थी, हम लोगों को करीब 2 महीने लगे ये मशीन बनाने के लिए, और बहुत ही खुशी हुई, पूरे भारत में अकेली ही मुझे लगता है ऐसी मशीन है जो रेप्लिका है ऑफ कोर्स इस ओरिजिनल एनिग्मा मशीन का, और बढ़िया चलती है। मैं आपको 2 मिनट में चलाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ, बट उसके पहले चलिए, तो जर्मनी विश्व युद्ध जीत रही थी क्योंकि उनके पास ये जो मशीन थी, और ये मशीन में अगर मैं 1 मिनट आपका लेकर इसकी बत्ती ऑन करके आपको दिखाता हूं, 1 सेकंड में बत्ती ऑन करता हूं, सो नाउ यू कैन सी दिस मशीन राइट हियर, एंड दिस क्यू इज लाइटिंग अप, और जब मैंने इसको दबाया तो दूसरी बत्ती जल गई, यहां पर ये वाली बत्ती जल रही है, ये आपको दिख रही है ये वाली, और कम लाइट है इसलिए ये मेरा इनपुट ये N है, और दबाया तो Q हो गया। इसके बाद एक लेटर घुमा दिया और ये लगा दिया हमने, और अब देखिए K जल गया,
तो पहले एन दबाया था तो क्यू दबा था, और अब एन दबाया तो के जल गया। इससे बेसिकली दिस इज द रीजन वाई दिस मशीन वॉज अनब्रेकेबल एंड कंप्यूटर्स वर रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोड ऑफ दिस मशीन। एलन ट्यूरिंग मेड द फर्स्ट कंप्यूटर टू ब्रेक द कोड ऑफ दिस मशीन। और मुझे लगा कि अगर हम कंप्यूटर्स के बारे में बात करते हैं तो ये मशीन होनी बहुत जरूरी है। कहीं पर कंप्यूटर साइंस पढ़ाए, एक मशीन बनाकर तो देखें। इस मशीन में यहाँ पर ये 1, 2, 3 रोटर्स हैं, हर एक में 26 तार हैं। यहाँ पर सारे तारों के कनेक्शन है, एक तरफ से इनपुट आता है, दूसरी तरफ से लाइट जल जाती है जो इनपुट आएगा। और बड़ा ही कलात्मक मशीन है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और मैथ का एक बढ़िया तालमेल है। और इस मशीन के कोड को ब्रेक करने के लिए पहला कंप्यूटर बना था। अगर ये कोड को हम खुद मैन्युअली अगर इंसान लोग ब्रेक करें तो 50,000 साल लगते पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर काम करने के लिए, लेकिन ये मशीन 26 मिनट में काम कर देती थी। 36 मशीनें एक साथ लगकर, ऐसी ऐसी 200 मशीनें इंग्लैंड ने बनाई थी, और उस मशीन को जब एक साथ चलाते थे तो 20 मिनट में उत्तर निकल आता था। दैट इज द रीजन वर्ल्ड वॉर एंडेड 2 ईयर्स अर्ली। द्वितीय महायुद्ध 2 साल पहले खत्म हुआ, 2 मिलियन लोगों की जानें बची, ऐसा लोग कहते हैं। और इस मशीन के कोड को ब्रेक करने के कारण जर्मनी विश्व युद्ध हारा, क्योंकि वो आपस में वो मैसेजेस एनक्रिप्ट कर नहीं भेज पाते थे। दिस इज द पावर ऑफ अ कंप्यूटर। एंड आज हम इसी कंप्यूटर के बारे में बात करने वाले हैं। इसी और ये हमें बनाने की प्रेरणा साइमन सिंह की एक किताब है कोड बुक, पढ़ी जब मैंने 3 साल 4 पहले, तब हमें लगा कि ये बनाएंगे मशीन, और हमें करीब 3-4 महीने लगे मशीन बनाने के लिए। सो एब्सोल्युटली डिलाइट टू यू नो, इट वाज अ श्योर डिलाइट टू मेक दिस मशीन। बट इंटरेस्टिंगली ये कंप्यूटर जो है बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से एनक्रिप्शन करता है। आजकल ऑफकोर्स इस तरीके से नहीं करते, आजकल प्राइम नंबर को यूज़ करके हम प्राइवेट और पब्लिक की करके एनक्रिप्शन करते हैं। बट ये कंप्यूटर अगर हम आपसे पूछें, ये चलिए एक सवाल देख लेते हैं उसके पहले, और अब जो पिछला सवाल था उसका उत्तर भी देख लेते हैं। इसके उत्तर काफ़ी सारे लोगों ने दिए, 3,000 लोगों ने एक उत्तर दिया है, पहले इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और ज़्यादातर लोगों ने कहा है कंप्यूटर आर गुड फॉर ह्यूमन बींग्स, और ये लास्ट का आंसर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब कर दी है, सारे दिन व्हाट्सएप चलता रहता है। 52 लोगों ने कुछ वो इतने, ऑफ कोर्स कंप्यूटर्स आर गुड फॉर ह्यूमन काइंड, एंड विद दैट आई विल जस्ट गो ऑन टू माय यू नो नेक्स्ट क्वेश्चन। बट एब्सोल्युटली कंप्यूटर्स हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ हैं, पर हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है ये कंप्यूटर काम कैसे करता है, किस भाषा में काम करता है, और क्यों करता है, और किस तरह से हम इसका फ़ायदा उठा सकें, उल्टा ना हो, हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी सफल बनाएं, उल्टा नहीं हो। तो इसके ऊपर ही आज पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी ज़िंदगी में क्या लगता है, आपके पास कितने कंप्यूटर हैं, ये आपका दूसरा सवाल है। हाउ मैनी, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये दिखने में बाधा कर रहा है। हाउ मैनी कंप्यूटर्स डू यू हैव इन योर हाउस। चलिए जब तक लोग उत्तर देते हैं, पिछले हफ्ते मैं ये म्यूज़िक कम कर देता हूँ, पिछले हफ्ते कुछ लोगों ने हमें ये म्यूज़िक भेजा, मैं वो चला रहा हूँ। एक हमारे यूज़र ने बैकग्राउंड म्यूज़िक भेजा, आज मैं उसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको सुनाई दे रहा होगा। हाउ मेनी कंप्यूटर्स डू यू हैव इन योर हाउस। 0 बहुत महंगा है, 1, 2, 5 and 20+। चलिए देखते हैं उत्तर लिखने के लिए, प्लीज़ गो टू itempool.com/ccl/live, itempool.com वेबसाइट में जाकर नया टैब खोलकर उत्तर दे सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि इसी वेबसाइट पर जाकर आप वीडियो भी देख लें और वहीं पर आप आंसर्स भी देते रहें। मैं इसके साइड में आके देख सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये शायद म्यूज़िक में शायद थोड़ी सी गड़बड़ है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए उत्तर देख लेते हैं, क्या लोगों ने कहा, हाउ मेनी कंप्यूटर्स डू वी हैव इन आवर हाउस। एंड मोस्ट पीपल आर सेइंग 20+, एंड दैट इज यू नो 20+, आई मीन ऑफकोर्स दिस इज द एवरेज। बहुत सारे लोगों ने कहा बी, एक कंप्यूटर है। ऑफकोर्स जिन लोगों ने कहा एक कंप्यूटर है उनको ये लग रहा है, मैं ये जानना, बस इस सवाल के पीछे मेरा चर्चा करने का एक उद्देश्य सिर्फ यही था, ये बताना कि ऑफकोर्स जो हमारी ये मेरी मशीन ये सामने रखी है, इसमें कंप्यूटर है, आईपैड नीचे रखा है उसमें कंप्यूटर है, जिस कैमरे में हम ये जिसके थ्रू हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटर सिर्फ इसी को नहीं कहेंगे जो ये मशीन है, हर जगह आज की दुनिया में कंप्यूटर विद्यमान है। इनफैक्ट जो गाड़ी चलती है उसमें यू नो 40-50 कंप्यूटर लगे रहते हैं। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, घड़ी, किसी भी चीज़ में छोटी सी चिप, छोटा सा एक माइक्रो कंट्रोलर। कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, एक ऐसी मशीन जो छोटे छोटे काम करे, बहुत छोटे छोटे काम करे, और
मतलब जो हम करें और बहुत सुचारू रूप से फटाफट करें, स्मॉल वर्क बट यू नो लॉट्स ऑफ इट, लॉट्स ऑफ इट, बहुत सारे काम करेगा सुचारू रूप से। बढ़िया, मैं ये मशीन हटा देता हूँ ताकि आपको कुछ और चीज़ दिखा पाऊँ। लेट मी जस्ट टेक दिस मशीन ऑफ द टेबल सो दैट आई कैन शो यू कपल ऑफ थिंग्स। तो कंप्यूटर का फायदा क्या है? कंप्यूटर सिर्फ यही करता है, एक छोटी सी चीज अगर है जो बारी बारी रिपीटेडली वो काम करे, जैसे कि हमारी खुद की ये बॉडी अगर हम देख लें, हमारे हाथ एक दिशा में चलते हैं, पैर दूसरी दिशा में चलते हैं, तो अगर खाली हाथ चलाएं तो एक ही काम कर पाएंगे, पैर अगर चलाएं तो दूसरा ही काम कर पाएंगे, लेकिन इन दोनों के मिश्रण से छोटे छोटे अलग अलग अनुपात में इनको काम करें तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एनी काइंड ऑफ डांस वी कैन डू। सेम थिंग हैपन्स हियर इफ यू लुक एट दिस ब्यूटिफुल थिंग दैट आई एम गोइंग टू शो यू हियर, विच इज बेसिकली अ कार दैट वी हैव। दिस इज समथिंग वी कॉल द साइन वेव कार। ये गाड़ी है जो सीधे चलती है एक दिशा में, तो पेन एक दिशा में चलेगा, और इसके लिए मैं आपको ये ओवरहेड में ले जाता हूँ, और ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देते हैं। ओके, और पेन इसका दूसरी दिशा में चलता है, पेन इस दिशा में चलता है, गाड़ी इस दिशा में चलती है। खाली पेन अगर चलाना हो तो ये सीधी लाइन बनेगी ऐसे, और खाली पेन इस दिशा में चलता है, तो खाली पेन चलाना हो तो इस दिशा में चलेगी, जैसे कि हम यहां पर चला के दिखा सकते हैं। खाली अगर हमें पेन चलाना हो तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और खाली गाड़ी चलानी हो तो ऐसे बनेगी, लेकिन इन दोनों के मिश्रण को अगर चला दें तो ये देखिए क्या बनता है, ये इसका है। और ये थोड़ा सा सफाई के साथ अगर यहाँ पर एक बार और बना देते हैं तो ये गाड़ी चली लेकिन ये साइन वेव बन गई। क्यों बनी? क्योंकि वो इसलिए बनी, और मैं इसको थोड़ा और पास ले आता हूँ अब, और वो इसलिए बनी क्योंकि यहाँ पर पेन हमारा इस दिशा में चल रहा था, गाड़ी इस दिशा में चल रही थी, हमने कितने अनुपात में इस दिशा में चलाया और कितने अनुपात में इस दिशा में चलाया उसके हिसाब से ये हमारा पेन बिल्कुल व्यवस्थित चल गया और हमारी कोई भी शेप बन गई। इनफैक्ट हम कुछ भी शेप बना सकते हैं, हम कह सकते हैं कुछ भी बना दीजिए, हम कह सकते हैं हाथी घोड़ा पालकी जो मर्जी बनाओ, जय कन्हैया लाल, कुछ भी बना सकते हैं अगर हम छोटे छोटे मूवमेंट्स को कंबाइन कर दें। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अवर कंप्यूटर डज, एंड द बेस्ट थिंग दैट द कंप्यूटर डज इज ऑल ऑफ दिस दैट इट डज, इट टॉक्स इन द लैंग्वेज ऑफ जीरो एंड वन। दैट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग। कंप्यूटर जो काम करता है, हम और आप जब बातें कर रहे हैं तो 26 अक्षरों में बात करते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में 52 अक्षर होते हैं, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ हाँ और ना में बात करता है। इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, कल ही हमारे साथी ये जोक सुना रहे थे कि अगर आपका दाम्पत्य जीवन है और आप हमेशा उसमें खुश रहना चाहते हैं तो आपकी भाषा में भी सिर्फ एक ही शब्द होना चाहिए, हाँ। तो अगर आप पूरे टाइम हाँ हाँ करते रहेंगे तो आपके जो है दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया चलेगा, बट यू नो ना उसका नहीं होना चाहिए। बट हमारा कंप्यूटर हाँ और ना, 0 1 ऑन और ऑफ में ही काम करता है, और सिर्फ इतने से छोटे से उसकी वोकैबलरी है, उसके बावजूद भी इतना व्यवस्थित काम करता है। और मैं दिखाऊंगा कि कंप्यूटर की मेन चीज़ क्या है, किस तरह से काम करता है, बट 0 1 में काम करता है। 0 1 की कितनी पावर है, सिर्फ 2 अक्षरों की कितनी पावर है, उसको एक बार देख लेते हैं। और दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज, आप सभी के हाथों में उंगलियाँ हैं बहुत बढ़िया, मान लीजिए अंगूठे भी आपकी उंगलियाँ हैं, तो 10 उंगलियाँ हो गई आपकी उंगलियों में, और आप अपनी 10 उंगलियों से सबसे बड़ा कौन सा अंक गिन सकते हैं? What is the largest number you can count on your 10 fingers? 10, 225, ये लास्ट वाला बहुत बढ़िया होता है, मोर देन 1000। मैं अपनी उंगलियों पे गिनता नहीं हूँ, सिर्फ लोगों को नचाता हूँ या नचाती हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फीडबैक मिल रहे हैं, और किसी ने हमसे कहा कि भाई आप एसी खरीद लीजिए, तो थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन। ऑफ कोर्स थोड़ी सी उमस है, बट उससे जुड़ा हुआ, क्योंकि ये आइटम पूल आपके क्वेश्चन के आंसर्स का समय है, आप बिल्कुल समय लगाइए, मैं आपको थोड़ा सा आपका एंटरटेनमेंट कर देता हूँ। वी विल पुट वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन अबाउट यू नो एसीज, जिसको देख कर हमने सोचा कि हम एसी से थोड़े से विमुक्त रहते हैं। वी विल पुट दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, सेहतमंद का बढ़िया वीडियो है, देखिएगा।
चलिए बहुत बढ़िया उत्तर आ रहे हैं, 2000 लोगों ने एक उत्तर दिया है। लेट्स सी व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स, लेट्स लुक एट द। इस बार हमने आइटम पूल का जो आंसर है वो बड़ा कर दिया क्योंकि हमें फीडबैक मिला था कि आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर कम दिखता है। आंसर देख लेते हैं, मोर देन 1000, इनफैक्ट ज़्यादा लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने बोला कि डी है कि इनफाइनाइट, कितने तक भी गिन सकते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। ई कितने लोगों ने दिखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ई 49 लोगों ने कहा कि मैं उंगलियों पर सिर्फ लोगों को नचाता हूँ। या वेरी गुड, थैंक यू, आप बढ़िया काम कर रहे हैं। चलिए इनफाइनाइट इसलिए नहीं क्योंकि एक बार जब हमने मान लीजिए उंगलियों पर अपना पूरा गिन लिया, तो एक बार गिन लिया इसको भी हमें उंगलियों पर ही याद रखना पड़ेगा। जो हमने ये करा भाई, हमने मान लीजिए 10 उंगलियां, 10 एक बार गिन लिया, कहीं तो याद रखेंगे कि एक बार गिन लिया, इसी तरह दो बार गिन लिया, ऐसे तीन बार, तो वो इन्हीं उंगलियों पे याद रखना पड़ेगा। अगर इन्होंने याद रखना चालू कर दिया तो हम पूरी 10 उंगलियों गिन नहीं पाएंगे। तो इसलिए वी कैन नॉट काउंट टिल इनफाइनाइट, वी कैन ओनली काउंट यू नो फाइनाइट, एंड लेट्स सी हाउ मच। कुछ लोगों ने 225 भी उत्तर दिया, उन लोगों ने शायद क्या करा, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3, हर उंगली में 3 है और ऐसे ऐसे 5 हैं, तो इसमें 15 गिन सकते हैं, और एक बार 15 गिन लिया तो यहाँ पे एक बढ़ गए, फिर दो बार 15 गिन लिया यहाँ पे एक बढ़ गए, तो 15 × 15 225 हो सकता है। बट एक और बढ़िया तरीका है, एंड दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो, विच इज़ बेसिकली देखिए हमारे हाथों में कितनी उंगलियाँ हैं, 10 हैं, और हर उंगली को हम किस तरह से रख सकते हैं, नीचे या ऊपर, नीचे या ऊपर। तो एक उंगली को दो तरीके से रख सकते हैं और दो बार गिन, दो गिन सकते हैं, इस तरह से नीचे रखा और ऊपर, नीचे ऊपर। और दो उंगलियों को कितनी तरह रखेंगे, जब ये नीचे ऊपर थी तो ये वाली उंगली नीचे ही थी, अब इसको अगर हम ऊपर रख देंगे तो पुरानी वाली उंगली जो पहली वाली थी उसको भी नीचे ऊपर कर सकते हैं। तो ये मिलाकर 4 हो गए, नीचे ऊपर 2, और ये ऊपर है तब फिर 2, ये जब नीचे थी तब 2 बार, और ये जब ऊपर है तब 2 बार, 4 हो गए, 2 उंगलियों में 4। उसी तरह से 3, तीसरी उंगली नीचे थी, अब ये ऊपर हो जाएगी तो 4 और नीचे के 4, नीचे वाले 4 और फिर ऊपर वाले 4, 8 हो जाएंगे, 3 उंगलियों में 8 हो जाएंगे, 4 उंगली में उस तरह से 8 और 8 16 हो जाएंगे, और 5 उंगली में 16 और 16 32 हो जाएंगे, 64 64, 128 256 512 1024। गिन के देख लेते हैं, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, अब तीनों भर गई, ये नीचे चली जाएंगी बिल्कुल जैसे एबेकस चलता है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और जब अब ये चारों भर गई, ये नीचे गई, ये 15 0 से 15 16 हो गई थी, ये नीचे चले जाएगा, ये 16 होगा। इस तरह से करते करते आप अपनी 10 उंगलियों में 1000 से ज़्यादा तक गिन सकते हैं। और आपकी उंगलियां कितनी थी, सभी लोगों को लग रहा था 10 उंगलियां हैं, पर आजकल हमारा समय थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, हम अपने हाथों के ऊपर ध्यान देते हैं, पैर के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। आपके पास 20 उंगलियां हैं, ध्यान से देखिए, जरा नीचे की तरफ देखिए, 10 और उंगलियां दिख जाएंगी पैरों में। तो ये दूसरा सवाल है, अगर आपके पास 10 उंगलियों में 1024 गिन सकते हैं, 1000 मान लीजिए, 1000 गिन सकते हैं लगभग 1000, तो 20 उंगलियों में कितना गिन पाएंगे। हाउ, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर यू कैन काउंट ऑन योर 20 फिंगर्स, 2048 4096 10 लाख या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट फिर से आ गया। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, आई वॉन्ट ऑल आर यूजर्स टू सी इफ दे कैन गो बैक ऑन itempool.com/ccl/live टू सी इफ दे कैन गो एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। आपको क्या क्या करना है, itempool.com/ccl/live, वहां पर जाकर आप वीडियो भी देख सकते हैं और आंसर भी कर सकते हैं। चलिए उत्तर देख लेते हैं, 1500 जैसे ही पहुंचेगा हम उत्तर देख लेंगे। 1500 पहला वाला जो उत्तर है वो जैसे ही 1500 क्रॉस करेगा, लेट्स लुक एट द आंसर। बहुत बढ़िया लग रहा है, चारों उत्तर अलग अलग, दो उत्तर बहुत क्लोज बाय हैं, लेट्स सी क्या, आई एम वेरी क्यूरियस टू सी। ये लाइव करने का एक अलग मज़ा है, ऑफकोर्स बीच बीच में गड़बड़ियाँ भी होती हैं, और बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने बी भी दिया, 4096, बहुत सारे लोगों ने ए दिया 2048, और सही उत्तर है 10 लाख से थोड़ा ज़्यादा, और सी जो कि लोगों का उत्तर था। चलिए देखते हैं कैसे, 10 उंगलियों में अगर हम 1024 गिनते हैं तो 11 में 2096 हो जाएगा,
और 12 में 4000 हो जाएगा और 13 में 8000 हो जाएगा। इस तरह से करते रहेंगे तो 10 में अगर 1000 गिन सकते हैं तो 20 में 1000 गुणा 1000 हो जाएगा, 2 to the power of 20, 1000 गुणा 1000। और हम देखेंगे आगे जाके जब हम थोड़ी सी और इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमारा ये जो सामान बढ़ता चला जाता है, इससे मुझे जुड़ी हुई एक और कहानी आ जाती है और उसके बाद हम आपसे कंप्यूटर कैसे काम करता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बट एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई और उसको ही देख लेते हैं ताकि 2 की पावर कंप्यूटर जो 0-1 में चीज़ें स्टोर करता है उसकी क्या वैल्यू है उसको हम देख लेते हैं। एक छोटी सी कहानी है, एक राजा है उसने और मैं इसके लिए छोटा सा चित्र आपको ये दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू। शायद आप लोगों ने ये कहानी सुनी हो। एक राजा किसी के ऊपर प्रसन्न हो गया और उसने कहा कि भाई आप मांगिए क्या मांगते हैं, और उसने कहा कि मुझे आप ये जो शतरंज है इसके ऊपर गेहूं के दाने रख दीजिए, पहले चौकोर में एक दाना, दूसरे में 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 ऐसे रख दीजिए और हर दिन बढ़ा दीजिएगा और जब 64 हो जाए तो हमें दे दीजिएगा। तो राजा ने कहा अरे बड़ी चीज़ मांगो, ये क्या मांगते हो? और राजा कन्फ्यूज़ हो गया, उसको अंदाज़ा नहीं था कि पावर क्या होती है, 2 की पावर, 0 और 1 की क्या पावर है, कंप्यूटर के बारे में शायद उसको पता नहीं था। राजा ने कहा दे दिया, और दैट इज एक्चुअली आई शुड नॉट गिव यू द आंसर, दैट इज योर क्वेश्चन, लेट मी गो बैक। हाउ मच राइस वुड देयर बी ऑन अ चेस बोर्ड? 400 किलो, 4000 क्विंटल, 4000 टन या 400 अरब टन? बाप रे। और सिर्फ क्या करा, पहले चेस के दाने में एक दाना रखा, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 ऐसे बढ़ाते गए। चलिए इसमें भी उत्तर तो बढ़िया आ रहे हैं, एक उत्तर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बाकी दोनों छोटे रह गए। लेट्स सी, सेवन एट, लेट्स सी, लोगों को समय थोड़ा सा मिलना चाहिए एक उत्तर देने के लिए। चलिए मुझे लग रहा है कि उत्तर देख सकते हैं, लेट्स लुक एट द आंसर, एंड द आंसर इंटरेस्टिंगली इज, बहुत सारे लोगों ने जो दिया, सब ज्यादातर लोगों ने जो आंसर दिया 400 अरब टन, 400, काफ़ी सारे लोगों ने सी भी बोला, 4000 टन, लोगों को ये लग गया था कि भाई ज़्यादा होना चाहिए, और किसी कुछ लोगों को लगा कि 400 किलो ही होगा, कुछ लोगों को ये भी लगा 4000 क्विंटल। किस तरह से हम इसके ऊपर आए, इसके ऊपर 2 मिनट की चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको ये ओवरहेड में ले जाता हूँ, ये मेरी जो कागज़ था इसको चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा सफाई से दिख जाए, इनफैक्ट इसको हटाकर और पास में ले आते हैं। बहुत अच्छे, तो टोटल पहले में हमने 1 रखा, दूसरे में 2 रखेंगे, उसमें 4 रखेंगे, ऐसे ऐसे 10 बार जब हम चले जाएंगे तो ये हमने देखा था कि 1024 तक पहुंच जाएगा, तो इसको 1000 मान लगते हैं। तो 10 में 10 आगे बढ़ गए पहले खाने के बाद तो 1000 आ गया, 20 आगे बढ़ेंगे तो 1000 गुणा 1000 आ जाएगा, और 30 आगे बढ़ेंगे तो ये 1000 गुणा 1000 गुणा 1000 आ जाएगा, और इस तरह से अगर करते जाएंगे तो 60 तक आ जाएंगे। तो ये 2 to the power of 64 में 2 to the power of 64 इतने दाने पहुंच जाएंगे, इनफैक्ट 2 to the power of 63 दाने होंगे क्योंकि 1 से चालू करा है, पर सबको जोड़ देंगे तो 2 to the power of 64 - 1, 2 to the power of 64 इतने हो सकते हैं। और हमें ये तो पता है कि 2 to the power of 10 लगभग 1000 होता है, तो ये हो जाएगा 2 to the power of 10 टाइम्स 6 और टाइम्स 16, और ये हमें पता है 10 to the power of 3 1000 है, तो ये हो गया 16 × 10 to the power of 18 इतना हो गया। और आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं कि किस तरह से आप निकालेंगे। बेसिकली 1 ग्राम में 25 दाने आते हैं, 1 ग्राम = 25 दाने, तो किस तरह से अगर आप इतने सारे दानों को 16 × 10⁻¹⁸ को अगर आप करेंगे तो ये कितने दाने आएंगे वो आपका करके देख लीजिएगा, 400 अरब टन हो जाएगा। अरब इज 10⁻⁹ एंड टन इज ऑफ कोर्स 10⁻⁷ कितना होगा, किलो में ग्राम और ग्राम में 7, ठीक है जी, नहीं 7 होगा क्या, 3 ग्राम से किलोग्राम पहुंचे तो 3, और किलोग्राम से क्विंटल टन नहीं 6 होगा, तो 9, 7, 16,
तो ये 10^9 × 10^6 ये आप करके देख सकते हैं, 400 अरब टन अगर एक ग्राम 25 दाने के बराबर है। दिस इज द पावर ऑफ, और जो हम 64 बिट बोलते हैं, कितनी बार बोलते हैं ये कंप्यूटर 64 बिट है, ऐसे सब है, वो सब इसी कारण से होता है। मैं इसकी फोटो ये हटा देता हूँ, कि इतने में ही इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी 64 में अगर हम दो दो के पावर से बढ़ते रहें तो ये होता है। और कंप्यूटर किस तरह काम करता है इसको देखने के लिए बहुत ही एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये आखिर कंप्यूटर चलता कैसे, इसमें पार्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से लोग हमारे अकाउंट्स को हैक कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और मैं इसको ले जाने के लिए आपको एक छोटा सा एक उदाहरण दिखाना चाहूँगा, वो कि कंप्यूटर हमारा चलता किस लिए है और किस तरह से काम करता है। कंप्यूटर में बेसिकली तीन चीज़ें हैं, मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ, तीन चीज़ें हैं और फिर मैं बड़ी स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा। एक तो इंस्ट्रक्शन है, कल्पना करिए कि कोई फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है जहाँ पर ये नीचे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, और एक स्टोर है जहाँ पर सारा सामान रखा है, उस स्टोर से आपको सामान लाना है और मशीन में डालना है, और जो जगह जगह से जैसे इंस्ट्रक्शंस, आप मशीन फैक्ट्री में घुसे, आपने क्या कहा, टेक मटेरियल फ्रॉम लोकेशन ए ऑफ द स्टोर, उस लोकेशन ए से सामान लाइए, मशीन में डालिए, और फिर जो निकला उसको कहीं और पहुंचा दीजिए, फिर ये सब काम करते रहिए। तो जैसे ही आप फैक्ट्री में आते हैं तो फैक्ट्री में आने में नोटिस बोर्ड पे कुछ लिखा होता है, भाई यहाँ जाइए, ये यहाँ से ये उठाइए मशीन में डालिए, जो हो जाए वापस डालिए। कंप्यूटर भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है, इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कंप्यूटर, एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज ये इंस्ट्रक्शन 0 और 1 की भाषा में ही लिखे हैं, पूरी भाषा इज बाइनरी, द होल थिंग रिटन इन कंप्यूटर, ऑन ऑफ 0 1 कुछ भी कह सकते हैं, 0 1 की भाषा में लिखे हैं, बाइनरी में लिखे हैं। तो जो गया कंप्यूटर उसने वहां पढ़ा, मशीन में ले जाया, और मशीन क्या काम करती है, बहुत ही छोटे छोटे, जैसे मैंने आपको दिखाया था, छोटे छोटे काम करती है। इनफैक्ट कंप्यूटर सिर्फ 4 या 5 या 6 छोटे छोटे काम ही करता है। कंप्यूटर को अगर हम बोल दें भाई गरीबी हटाओ, आप तो बड़े पावरफुल हो, दुनिया की गरीबी हटा दो, कंप्यूटर कहेगा ये तो हमें आता ही नहीं है, हमें नहीं मालूम कैसे हटाते हैं, आपको हमारी भाषा में बात करनी पड़ेगी। गरीबी हटाओ को अगर हम 5 छोटे छोटे उदाहरण में, किस तरह से गरीबी हटाओ वो 5 काम करो, फिर उनको सब्सिक्वेंटली और छोटे छोटे भागों में बांटो, उनको और 1000 चीज़ों में बांटो, उनको और लाखों चीज़ों में बांटो, मैं तो वो छोटे छोटे ही काम कर सकता हूँ और बहुत बार कर सकता हूँ, बहुत तेज़ी से कर सकता हूँ, लेकिन आपको गरीबी हटाओ जैसे बड़े काम को छोटी छोटी चीज़ों में बांटना पड़ेगा। कंप्यूटर हमारा 4-5 चीज़ें ही करता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कंपैरिजन, दो चीज़ों को आपस में कंपैरिजन, एंड सम पीपल ऑल्सो कॉल इट जम, यहाँ से यहाँ चले जाओ, बस इतने ही 4-5-6-7 छोटे छोटे ही काम करता है और बहुत ही तेज स्पीड से करता है। दैट इज द पावर ऑफ कंप्यूटर। सो इफ वी वॉन्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर, तब हमें उसकी भाषा में बात करना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पर जैसे कंप्यूटर को लिखा, यहाँ से ले जाओ, ये काम करो, स्टोर में से कंप्यूटर कहीं से सामान लाता है, डेटा इन्फॉर्मेशन कहीं से लेके आता है, मशीन में डालता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4-5 चीज़ें ही करता है, और करके रिजल्ट वापस स्टोर में डाल देता है। अब कल्पना करिए किसी ने सिर्फ चेंज कर दिया, तीसरा जो इंस्ट्रक्शन था वो चेंज कर दिया, उसने बोला टेक मटेरियल फ्रॉम द स्टोर, पुट इट इन द मशीनरी एंड पुट इट इन माई कार, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। तो तीसरा इंस्ट्रक्शन उसने चेंज कर दिया, आप देखिए क्या हो गया, दिस इज एग्जैक्टली वॉट इज हैकिंग। कोई बोल रहता है हमारा अकाउंट हैक हो गया, हमारा फोन हैक हो गया, और कुछ नहीं है, जहां पर कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, कंप्यूटर जिनको ब्लाइंडली फॉलो करता है, वहां जाकर आपने बस वो चेंज कर दिया कि सामान सब कर करा के कहां किस अकाउंट में पैसे डालने हैं, वो अकाउंट का नंबर अगर चेंज कर दिया इंस्ट्रक्शन में, 0 1 की जगह कुछ और डाल दिया, खत्म हो गया खेल। या एक और उदाहरण है ये, विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, इसको बड़ा कर देता हूं, विच इज समबडी सेज मटीरियल निकालिए एंड देन गो बैक टू प्रीवियस स्टेप, ये छोटा है शायद आपको दिख रहा हो, टेक द मटेरियल फ्रॉम लोकेशन ए गो बैक टू प्रीवियस स्टेप, अगर ऐसा करेंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, मटेरियल निकालिए गो बैक टू प्रीवियस स्टेप, वो क्या है, मटेरियल निकालिए, वो मटेरियल ही निकालता रह जाएगा और सारा आपका मटेरियल खाली हो गया। दिस इज एग्जैक्टली वॉट इज हैकिंग। इंस्ट्रक्शंस में जाकर जो 0 1 की भाषा है, वहां पर जो भी लिखा है उसमें जाकर हमें अपनी भाषा में, अपनी भाषा मतलब 0 1 की भाषा में कुछ और गलत चीजें लिख दी, कांस्टेंट गलत सलत चीजें लिख दी जो कि गलत करने वाली हैं, वो अगर हम कंप्यूटर में कर देंगे तो कंप्यूटर वही करेगा। कंप्यूटर को नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, वो तो वही करेगा जो आपने उसकी भाषा में लिखा है। और वो मैं ये कहना चाह रहा हूं, दो ही चीजें हैं, छोटे छोटे काम करता है और बहुत तेजी से करता है, लेकिन छोटे छोटे काम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कंपेयर जम, यही सारी 5-6 चीजें करता है।
That's all you know that a computer does. And just to see how computer makes our work, I hope aapke cards, you have your cards ready, and I will show you this absolutely beautiful, the best, one of the most interesting tricks that I have or activities that I've seen. Let me just stop this image. Computer kis tarah se hamare kaam asaan karta hai, main wo aapke samne dikhana chahta hu. Kis tarah se computer hamara kaam asaan karta hai. Dekhiye mere haath mein kuch cards hain, jaise humne aapko, agar aapne nahi banaya to ye hum किस तरह से बनाने हैं, ये कार्ड हम आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्लीज़ ऑफ कोर्स मेक इट. ये सारे कार्ड्स हैं मेरे पास, और ये हमारे पास 26 कार्ड्स हैं, क्योंकि अंग्रेजी के जो 26 लेटर हैं उसके हमने कार्ड्स बना दिए. ऊपर कुछ कुछ होल करें, कहीं पर होल हैं, कहीं पर वो पूरे गड्ढे हैं, ठीक है. ऐसे ऐसे 26 कार्ड्स हैं, और मैं देख लूँ ये फेंटे हुए हैं कि नहीं. हाँ बिल्कुल, देख लीजिए, ये बिल्कुल फेंटे हुए नहीं हैं. फेंटे हुए मतलब दे आर नॉट, एंड लेट मी जस्ट यू नो, फेंटे हुए मतलब ये बिल्कुल जो है आपके पास ये रखे हुए अलग अलग हैं, और मैं इसको फेंट भी देता हूँ आपके सामने. बहुत बढ़िया. और अब मान लीजिए हमको करना क्या है, मैं इसको ओवरहेड में दिखाने की कोशिश करता हूँ. ये पेज चेंज कर दिया, और ओवरहेड में दिखाने की कोशिश, ये क्या करना है हमको, मान लीजिए इनको अरेंज करना है. अरेंज मतलब अरेंज करना है अगर इस पे इसको, तो हमें ये देखिए, अब हमें सबसे पहले ए ढूंढना पड़ेगा. तो चलिए ए ढूंढ लेते हैं. कहाँ गया भैया ए, ये रहा है, तो ए ऊपर ले आए. अब उसके बाद बी ढूंढना है, तो बी कहाँ है, बी ढूंढ लेते हैं यार, ये रहा बी. उसके बाद सी ढूंढना है, थोड़ा सा सी ढूंढ लेते हैं, सी कहाँ है, सी सी सी. यार ये समय लग रहा है, लगता है ये करते रहेंगे तो पूरा एपिसोड इसी में चला जाएगा. तो देखिए कितना समय लग रहा है हमें. अब ये डी, डी डी तो मिल ही नहीं रहा हमें, कहाँ चला गया. तो हम ये नहीं कर रहे हैं, छोड़िए हम नहीं कर रहे हैं ये, हम वापस से इसको फेंक देते हैं, और हम कहते हैं कंप्यूटर भाई हमें तो बहुत समय लग रहा है, आप करिए इसे. तो कंप्यूटर क्या कहेगा, कहेगा बहुत बढ़िया बात है, मैं कर देता हूँ. ये आपने ये जो ताश ले लिए, कुछ चेंज नहीं कराए, एक मैंने पिन उठा लिए आपके सामने, एक पिन ले आया, और कंप्यूटर ने क्या करा, इसने कहा कि ये लोग ताश के पत्ते, और यहाँ पर सबसे पहले इस पिन में डाल दिए, और पिन में डालकर बस बाहर खींच लो. ये बाहर खींचा, आगे रख दिया, पहले छेद में डाला, फिर दूसरे छेद में डाल दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, दूसरे छेद में डाल दिया, ओहो ये गिरना नहीं चाहिए, ऐसे आ गया, और उसके बाद तीसरे छेद में डाला, ये तीसरे छेद में डाल दिया, और उसके बाद चौथे में डाल दिया. टोटल 5 छेद हैं, 4 छेदों में हमने ये पिन डाल दिए, और उसके बाद पांचवें छेद में भी ये पिन डाल दी, एंड लेट्स सी क्या होता है उसके बाद. आखिरी छेद है, क्या करा हमने, छेद में पिन डाल के जितने ताश आ जाते हैं उनको उठाकर आगे रख देते हैं, एंड नाउ यू कैन सी ए बी सी डी ई एफ. मैं फटाफट फटाफट कर देता हूँ आपके लिए. बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत मज़ा आया मुझे करके. मुझे मतलब मालूम नहीं आपको कैसा लगा, लेकिन मेरा तो दिल प्रसन्न हो गया. देखिए क्या हुआ, कंप्यूटर जो काम हम करने में इतना समय लगा रहे थे, कंप्यूटर ने एक मिनट में कर दिया, क्योंकि हमने उसकी भाषा में छेद करे हैं. जीरो, ये जो गोल है इसको जीरो मान लिया, जो ऊपर से कटा हुआ है उसको वन मान लिया. इस तरह से हमने कार्ड्स अपने रखे कि एक बार में ही, ओह फेंट दिया भैया, फेंटो मत, नहीं तो हाँ एक के नीचे भी आ गया था. ये देख लीजिए बिल्कुल फेंटे हुए हैं, कोई हाथ की सफाई नहीं. ऑफकोर्स प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लुक एट द डिस्क्रिप्शन, एंड यू कैन डू, यू कैन मेक योर ओन यू नो कार्ड्स एंड डू दिस एक्टिविटी. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ कंप्यूटर डज. जो मुश्किल काम है उसको फट से, जो हम इतने सारे 26 कार्ड्स को एक के बाद एक के बाद एक लगाते, इसने 5 बार डंडी डाली और कर दिया. इसी तरह से कुछ पंच कार्ड्स भी काम करते थे, पुराने जमाने के कंप्यूटर इसी के ऊपर काम करते थे. इस तरह से पंच कार्ड्स में वो 0-1 जब लिखते थे तो कहीं पर छेद कर देते, कंप्यूटर लंबी लाइन है उनको ही कंप्यूटर पढ़कर पूरा काम कर देता उसी भाषा में. एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ दीज कार्ड्स ऑल्सो वर्क. और एक और चीज मैं दिखाना चाहता था, इसमें तो हमने 5 छेद कर दिए, और अभी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. यही एक और तरीके के हमने कार्ड्स बनाए हैं, ये भी ए से लेकर जेड तक है. इनफैक्ट ये लगे हुए हैं, मैं तो इनको अलग कर देता हूं, अभी फेंट दूंगा. और इनकी मजेदार सबसे चीज क्या है कि इसमें सिर्फ 3 ही छेद हैं. आप देखेंगे कि इसमें 3 छेद हैं सिर्फ, उसमें 5 थे, इस वाले में 5 थे, इस वाले में 3 छेद हैं. टोटल कार्ड्स हमारे पास 26 हैं, अंग्रेजी के 26 लेटर, 26 कार्ड्स हैं, और 3 ही छेद हैं. इनको अगर हमें सॉर्ट करना हो तो फिर से अगर हम
करना चाहें तो इसमें ए ढूंढना पड़ेगा, फिर बी ढूंढना पड़ेगा, फिर इस तरह से चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। इसके अलावा इसकी जगह हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे रख लेंगे और फिर से वही काम करेंगे। इस बार हम एक की जगह दो डंडियां ले आए हैं, ये पतली डंडी, ये मोटी डंडी। सबसे पहले पतली, और तीन बार इस बार छेद में डालना पड़ेगा। सबसे पहले पतली डंडी डाली छेद में और जो कुछ भी आया उसे उठा लिया और उसके बाद मोटी वाली ये करा और फिर इसको हमने फिर से वही करा, ये कर दिया। इसके बाद फिर से पतली वाली डंडी ली और दूसरे छेद में डाल दी, ये आगे आगे, और इसके बाद ये पतली वाली मोटी वाली ली और वो डाल दी, ये इधर आ गया। तीसरी डंडी ली वो भी डाल दी, एंड आई एम होपिंग कुछ कार्ड्स में गड़बड़ ना हो। एंड चौथी वाली डाली वो इधर डाल दी और लेट्स सी क्या होता है। इसके बाद ये कार्ड्स हैं हमारे पास, सीधा दिखाएं, चलिए सीधा दिखा देते हैं। ए इसको यहाँ रख देते हैं, ए बी सी डी, बहुत ही बढ़िया, सारी सांस हमारी आ गई। थैंक यू सो मच हमारे साथी जनार्दन, तपस, इन लोगों ने बहुत बढ़िया ये कार्ड बनाने के लिए मदद करी। एंड लेट मी गेट बैक टू हियर, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। इसी तरह से कंप्यूटर हमारा काम आसान कर देता है अगर हम उसकी भाषा में काम करें। ये हमने तीन छेद में करा तो, लेकिन इसमें डंडी कितनी बार डालनी पड़ी? जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड थी वो पांच की जगह, इसमें पांच छेद में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड थी, इसमें तीन छेद में ही है। थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा उस दिशा में, ये पांच में थी, ये तीन में है, लेकिन इसमें कितनी बार डंडी डालनी पड़ी? पांच बार। और इसमें आपको लगेगा नहीं, इसमें छह बार डालनी पड़ी। सो इफ यू इंक्रीज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इज इन लेस नंबर ऑफ छेद, बट आपको डंडी ज्यादा बढ़े। ये डंडी डालने वाला काम ही कंप्यूटर का काम है जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट कंप्यूटर डज, छोटे छोटे काम फटाफट करता है। जो काम आपको करने में बहुत देर लग रही थी वो इसमें कर दिया। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग, जो हम कह रहे थे हर हफ्ते आपके पास एक होमवर्क देंगे, एंजॉय वर्क पूरे हफ्ते में करने के लिए, वो आपके सामने आ गया है। ये तो हमने अंग्रेजी के लिए काम करा, 26 अक्षर हैं, पर हमारे वर्णमाला में 52 अक्षर हैं, 52, और आपको यही काम करना है। इसी तरह से कार्ड्स बनाने हैं, ये कैसे बनाने हैं ये हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, बट आपका जो हफ्ते भर का काम है वो ये 52 हिंदी के अक्षरों को अगर सॉर्ट करना है, पहले आ आ आ, आ ये वाले और फिर क ख ग ग न त थ ध न च छ झ झ न त थ ध न त थ ध न, मुझे अभी अच्छी तरह से याद नहीं है और याद करने में थोड़ी सी मुझे याद है ऑफकोर्स, मतलब मैं अभी इस समय नहीं दोहरा पाऊंगा। तो आपको वो 52 के 52 अक्षरों को अगर सॉर्ट करना हो, एक के बाद एक लगाना हो, तो कितने छेद करेंगे? मान के चलिए कि आपको चार छेदों में ये काम कर तीन ही छेदों में, ये तीन जो छेद हैं तीन ही छेदों में काम करना पड़ेगा। तो किस तरह के छेद बनाएंगे, कैसे करेंगे वो करके देखिए। छोटा सा हिंट दे देता हूँ, क्योंकि ये 27 कार्ड्स हैं, तो तीन छेदों में अगर काम करेंगे तो आपने देखा ना, ये तीन तरीके के हमने छेद करे हैं। एक बंद, एक पूरा गोल है, एक ऊपर से पतला है और एक ऊपर से मोटा है। तीन तरीके के छेद हैं जैसे आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल बंद है, ये ऊपर से मोटा है और ऊपर से पतला। तो ये तीन छेदों में काम हो गया, तीन तरीके के छेद और तीन छेदों में काम हो गया। 52 के लिए शायद वो ना करना पड़े, आपको शायद चार तरीके के छेद करने पड़े। तो किस तरह से वो छेद करेंगे, कितनी तरीके की डंडियां, क्या होगा वो आप करके बताइए। वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी, एक्साइटेड, डिलाइटेड एंड विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बहुत सारे लोग होमवर्क कर रहे हैं और बहुत सारे लोग होमवर्क्स भी भेज रहे हैं। हम धीरे धीरे होमवर्क के आंसर्स के ईमेल्स भी भेज रहे हैं। वो ईमेल्स आप किसी से शेयर मत करिए, जो लोगों ने होमवर्क करा है उन्हीं तक, जिन लोगों ने होमवर्क सबमिट करा है उन तक ही वो ईमेल जाती है। तो प्लीज़ मेक श्योर यू सबमिट दी होमवर्क, वी विल बी ईगरली वेटिंग फॉर यू टू गिव अस दी आंसर, फॉर कि आपके पास हिंदी के 52 अगर अक्षर हैं तो उनको किस तरह से आप सॉर्ट करेंगे, कंप्यूटर कैसे सॉर्ट करता है। And with that, I will just, बहुत ही रोचक चीज़ है। मुझे लगता है अगर ये करने के लिए ऑफकोर्स हमें बहुत ऊर्जा लगती है। आई मीन दिस एक्टिविटी वी आई रेड यू नो दिस बाइनरी सॉर्टिंग एक्टिविटी समवेयर, बट देन आई थॉट इसको कुछ और मज़ेदार चीज़ कर सकते हैं क्या। तब हमारे दिमाग में एक आइडिया आया और फिर हमने इसको बेस 3 में, मतलब ये तीन वाली कर दी, और फिर अब हम आपसे कोशिश कर रहे हैं कि तो द होल गेम, द होल पर्पज ऑफ दिस 30-30 स्टैम्प, इसकी हम इस चीज को कहीं तक लेकर गए, आप उसको और आगे तक लेकर जाएं। सिर्फ हमें बेस्ट टीचर अवार्ड लाएंगे वो गोल नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि हमारे देश में जब तक
हमारी शिक्षक कम्युनिटी की इमेज जो हमने कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो गई है या खो दी है, उसको वापस लाना है, उस खोई हुई गरिमा को वापस लाना है। गरिमा का मुझे अंग्रेजी में शब्द सूझ नहीं रहा है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वी हैव टू एब्सोल्युटली ब्रिंग बैक दैट लॉस्ट ग्लोरी, इफ आई कैन से लॉस्ट नहीं या कम जो हो गई है वो सबसे ज़रूरी है। टीचर सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं चाहिए, वो तो इंटरनेट बहुत दे देता है, इंटरनेट कैन गिव अस इनफाइनाइट ज्ञान, लेकिन इंस्पायर कौन करेगा? वो तो प्रेरित करने का काम तो इंसान ही कर सकते हैं। गुप्ता जी जिनके जिनके जिनका मेरा बहुत जिनका जिनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदली, वो कहते थे मनीष, और इसका अन्यथा मतलब मत लीजिएगा, कि जो ट्रेनिंग या ये सब चीज़ें हैं ये तो जानवरों के लिए हैं, इंसानों को तो सिर्फ प्रेरित किया जा सकता है। द होल गोल ऑफ एवरीथिंग दैट वी ट्राई टू डू इन दिस वन वीक, आपका संडे अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये भी जैसे शुरू में कहना चाह रहा था, बहुत ऊर्जा लगती है, बहुत परिश्रम लगता है, बहुत डर भी लगता है कि पता नहीं कौन सी गलती हो, एंड इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस टू ब्रिंग आउट एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंजॉयबल टू रीड योर फीडबैक एंड कॉमेंट्स, सो प्लीज मेक श्योर यू डू सेंड अस दैट एंड डू सबमिट योर होमवर्क। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से देश भर के सभी टीचर जुड़ जाएं। सरकार का आपके पास लेटर आया कि नहीं आया, नहीं, इट डजेंट मैटर, यू नो, इफ यू यू ज्वाइन एंड योर स्टूडेंट्स ज्वाइन एंड योर फ्रेंड्स ज्वाइन एंड एवरीबडी सबमिट्स होमवर्क, लेट्स मेक श्योर हमारा सर्वर क्रैश हो जाए, इतने आंसर आ जाए। सो अभी तो वो स्थिति नहीं है, सो प्लीज मेक श्योर यू डू दैट होमवर्क। एब्सोल्युटली वंडरफुल, हिंदी के 52 शब्दों को किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह के छेद बनाएंगे, मुझे पर्सनली पढ़ने में बहुत खुशी होगी, क्योंकि जब मैंने करा था ये वाली एक्टिविटी पढ़ी, मैंने कहा यार आगे बढ़ाते हैं इसको, तो मैंने 3 की कर दी, आप 4 की करिए, फिर उसके आगे 5, 6, 7, 8 करिए, आप पाएंगे कि इसको द रेगुलर थिंग दैट वी डू, एंड दैट ब्रिंग्स टू माई नेक्स्ट यू नो थिंग दैट आई वॉन्टेड टू शो यू, विच इज़ बेसिकली कंप्यूटर ये सारे काम तो करता है, हम आप जो बातें करते हैं वो तो हम क्या, तो आई होप यू हैव रिवाइज योर 5, 6, 700 एंड क्या था वो 678 678/5, अभी हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग तो जो काम करते हैं वो 10 की गणित में करते हैं, है ना, जो भी हम 10 से मतलब हमें एक्चुअली अगर आप ध्यान दें तो हमें 10 तक ही पहाड़े याद करने की ज़रूरत है, उसके बाद तो हम जरूरत ही नहीं, 10 मतलब 9 तक ही पहाड़े याद करने की ज़रूरत है, उसके बाद तो अपने आप हो जाते हैं। कंप्यूटर वही काम कुछ नहीं करता, कंप्यूटर सिर्फ डबल करता है, कंप्यूटर को कुछ और नहीं आता, कंप्यूटर को सिर्फ 2 के ही पहाड़े आते हैं, वो डबल करता है, हाफ करता है, डबल हाफ मतलब गुणा बाय 2 डिवाइड बाय 2 वही कर सकता है। एंड रिमेंबर वी सेड कंप्यूटर डज ओनली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ लॉट ऑफ टाइम्स वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी विल हैव टू कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। हम जो हम काम करते हैं वो किस तरह से कंप्यूटर की भाषा में कर पाएंगे, तो उसके लिए दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव। हम लोग जैसे लॉन्ग डिवीजन सभी लोग जानते हैं, मतलब किस तरह से भाग देना होता है ना, तो 6, 7, 8 है, उसको 5 से भाग देना है, और सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, और लेकिन उसके पीछे क्या प्रक्रिया असली में चल रही है इसके ऊपर मुझे लगता है कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता, मेरा तो नहीं जाता था। 38 साल की उम्र में जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा यू नो और अपनी उपयोग लगाना चालू करा, तब से मुझे इतनी मज़ेदार चीज़ें मिली, इतनी मज़ेदार चीज़ें मिली जो हम लोग ऑफ़ कोर्स अपनी लैब में मिलकर और उसके ऊपर काम करते हैं और आपके सामने साझा करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही रुचिकर चीज़ें मिली। तो इसको अगर मैं इसको ओवरहेड में ले जाता हूँ आपको, 678 अगर मेरे पास ये जो नंबर है, और इसमें कोई खास बात नहीं है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, आप ये मत समझिए इसकी कुछ खास चीज़ है, ये मेरा नंबर है और इसको मुझे 5 से भाग देना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं इसकी थोड़ी सी 5 से भाग देना है और हमको ये आता ही है 5 से भाग देना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको ये थोड़ा सा एक सेकेंड के लिए मैं जाकर इसकी सेटिंग फोकस आउट ऑफ फोकस हो रहा है तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसका थोड़ा सा हाँ ताकि ये हाँ बढ़िया। चलिए 5 को 678 से भाग देना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 एकम 5 लिख दिया, यहाँ से चालू करा, इतनी बात तो सही है, अब इसमें से ये घटा दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पर हमने क्या लिखा, 1 लिख दिया,
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आप मैं इसके आगे नहीं करूंगा, आई एम श्योर आप लोग इसको करना जानते हैं, बट इसी से जुड़ा हुआ हमारा सवाल है वो आपके सामने बिल्कुल अभी आने वाला है। और उसके पहले मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था कि कई बार ये सारी चीज़ें हमने सीखी लेकिन इसके पीछे प्रक्रिया क्या चल रही थी इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है, और वही ध्यान दिलाने के लिए ये 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 सवाल है कि किस तरह से कंप्यूटर इसको सोचेगा, या हम किस तरह से जो कर रहे हैं वो हमारी भाषा है लेकिन कंप्यूटर वो भाषा शायद समझ नहीं पाता है। तो चलिए इसके पीछे ये कर लेते हैं। इस यहाँ पर जो ये प्रक्रिया चल रही थी, ये पांच, और ये हमने जिस तरह से भी डिवाइड करा है पूरा आपको करना है, इसमें कितनी बार आपने प्लस का उपयोग करा, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू यूज एडिशन while dividing 678 by 5, how many times do we perform addition? मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ ताकि चेहरा दिख पाता है, और ये पूरा ऐसे कर लेते हैं। म्यूजिक आई एम होपिंग सुनाई दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ सभी लोग जाकर जवाब दें, itempool.com/ccl/live। चलिए उत्तर देख लेते हैं, 1500 लोगों के उत्तर आ गए हैं। सबसे ऊपर जो उत्तर आ रहा है उसका देखें क्या उत्तर है, बड़ा इंटरेस्ट है मुझे ये देखने के लिए, और ये चीज हमने बहुत ही बचपन में सीखी। उत्तर देख लें क्या है, बहुत सही, 1800 ज़्यादातर लोगों ने उत्तर दिया 0, बिकॉज वी आर डूइंग रिपीटेड एडिशन, और मुझे लग रहा था कि इसलिए ये बात करनी बहुत ज़रूरी है। और उत्तर है असल में सी, विच इज़ काफ़ी सारे लोगों ने सही उत्तर दिया, 900 लोगों ने, मतलब 1/3 लोगों ने लगभग, अगर मैं जोड़ूँ 1/3 to 1/4 लोगों ने सही उत्तर दिया, विच इज़ ग्रेट, एब्सोल्युटली वंडरफुल। लेट्स लुक एट क्यों लोगों ने कहा 0 और क्यों 4 सही उत्तर है और 2 क्यों नहीं और 6 क्यों नहीं है, इसको देख लेते हैं। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है ये बात समझनी, क्योंकि कहीं बार ये छोटी सी प्रक्रिया जो डिवीजन की है, और इसके ऊपर एक एपिसोड हम और करेंगे जिसमें और डिटेल में जाकर ये सारे चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि कितनी बार हमने एडिशन करा और हमें पता भी नहीं चला, और इसी से जुड़ी हुई ये कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज ऑल अबाउट टॉकिंग इन अ लैंग्वेज विद कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, उसकी भाषा में आपको बात करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर जैसे 5 × 5 लिखा और यहाँ पर 1 बचा, और उसके बाद आप क्या कहते हैं, ये नीचे एरो लगा के 7 नीचे उतार लीजिए, और मैं उस उतारने के लिए ऊपर ध्यान दिलाना चाहूँगा, उतारना 2 मिनट के लिए ध्यान दे दीजिए, ये जो उतारना है ये हमारी भाषा है, कंप्यूटर को समझ नहीं आता, उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही समझ आता है, उतारना हमको तो नहीं पता क्या होता उतारना, ये प्रक्रिया अपने आप गणित में पीछे से हो जाती है, हमारा ध्यान नहीं जाता, हमारा उसके ऊपर ध्यान आकर्षण नहीं होता या कराया नहीं जाता, दोनों ही बातें हैं। 1 के नीचे बगल में जब 7 रखा, ये 2 अलग अलग शब्द बन गए, 1 and 7, 2 सेपरेट नंबर्स, 17 नहीं बना, 17 बनाने के लिए 1 को 10 से गुणा करना पड़ेगा और 7 जोड़ना पड़ेगा, हियर इज द एडिशन, ये उतारने में 1 प्लस आ गया, यहां पर ये 17 बन गया, और फिर यहां पे 5 + 15 लिख दिया और ये 15 आ गया, यहां पे फिर माइनस कर दिया, ये 2 बचा, ये यहां पर जो 3 आपने रखा बगल में चढ़ा दिया, बोलते ना चढ़ा दिया, ऊपर चढ़ा दो, नहीं जा रहा तो 0 चढ़ा दो, ये चढ़ाना कंप्यूटर को समझ नहीं आता, इसको करने के लिए तो ये 1 और बगल में 3 जो लिखा, ये तो 1 को 10 से गुणा करना है और प्लस 3 करना है, तब ये 13 बना, तो यहां पर एक और प्लस हो गया, 2 times plus, और फिर ये 8 जब आपने फिर से उतारा तो एक और प्लस हो गया, 5 × 5 = 25 आ गया और 3 बचा, और ये 5 × 5 = 25, ये यहाँ पर जो 5 डाला ये 13 में फिर से 13 को 10 से गुणा करके 5 जोड़ दिया, तो ये 3 बार यहाँ वाला, तीसरा वाला यहाँ, और ये चौथा वाला यहाँ, 4 बार आपने प्लस करा, 4 times you did addition and we did not even realize कि कितनी बार हमने ये प्रक्रिया बिल्कुल कंप्यूटर अपने आप करेगा, क्योंकि वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चढ़ाना और उतारना नहीं जानता है, 1 और 3 दो अलग अलग नंबर हैं, उनको एक साथ जब हम जोड़ेंगे तो implicitly 1 times 10 + 3 हो रहा है, वो हमें पता नहीं चला, इस बात के ऊपर ध्यान दिलाना ज़रूरी है।
मुझे लगता है जब हम छोटी क्लासों में ये बातें करें, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, जब भी, इसके ऊपर ये ध्यान दिलाना जरूरी है, दिस इज कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग, दिस इज हाउ द कंप्यूटर्स वर्क, दिस इज हाउ वी नीड टू ट्रेन आवर माइंड्स टू थिंक सो दैट वी कैन यूज द कंप्यूटर्स इन आवर लाइफ, अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, और ये थोड़ा सा आपके लिए आसान होना चाहिए, कि कितनी बार इसी तरह से गुणा का आपने प्रयोग करा। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन, एंड लेट्स लुक एट दैट, एंड द आंसर शुड बी 0, 3, 7। उत्तर आखिरी वाले बढ़िया है, फॉर गॉड बिकॉज आई लर्न डिविजन इन क्लास 5। बहुत बढ़िया, चलिए उत्तर जल्दी से देख लेते हैं, आज समय थोड़ा सा हम समय कम है तो इस बार चलिए लेट्स लुक एट द आंसर्स। काफ़ी सारे लोगों का जो उत्तर है 1000 तक पहुंच रहा है, चलिए 1000 होते ही उत्तर दिखा देंगे। लेट्स लुक एट द आंसर, 1200 लोगों ने फिर से बी, काफ़ी सारे लोगों ने 3 बोला, और कुछ लोगों ने 0 भी बोला, 0 तो ऑफकोर्स नहीं है क्योंकि गुणा तो चल ही रही है, और सी जो है वो 7 है, ज़्यादातर लोगों ने जो बिल्कुल, काफ़ी सारे लोगों ने सही उत्तर दिया। इसमें ऑफकोर्स ये नीचे जाकर हम देख सकते हैं, यही प्रक्रिया चली, यहाँ पर एक बार गुणा हुआ, यहाँ पर एक बार गुणा हुआ, यहाँ पर एक बार गुणा हुआ, और जितनी बार एडिशन हुआ था उतनी बार तो गुणा हुआ ही। 5 × 5, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, ये 3 बार हो गया, और यहाँ पर जब 1 का 13 बनाया और 13 का 135 बनाया, और फिर यहाँ पर 4 बार जहाँ पर एडिशन हुआ मल्टीप्लीकेशन, सो 3 + 4, 7 टाइम्स वी यूज मल्टीप्लीकेशन। उसी तरह से अगला सवाल भी है, उसका समय नहीं है, मैं उसको स्किप कर दूंगा। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि भाई इस डिविजन, इस पूरी प्रक्रिया में कितनी बार आपने डिविजन करा, यानी 5 × 6, 7, 8 में कितनी बार आपने डिवीजन करा, तो आप कहेंगे डिवाइड तो यूज ही नहीं करा भाई, डिवाइड तो हम पूरा कर रहे हैं, कैसे डिवाइड तो ये पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी नहीं करा। इसी में दिखा देते हैं, यहाँ पे 5 × 5 करा, ये भी मल्टीप्लाई है, फिर माइनस करा, 17 आ गया, फिर 15 लिख दिया, फिर 2 है, 28 है, फिर 25 आ गया, और यहाँ पर 3 चढ़ा दिया और 5, कहीं पर भी डिवाइड नहीं करा, या तो माइनस करा या मल्टीप्लाई करा, डिवाइड कहाँ करा, डिवाइड ऑफ कोर्स करा। ये जो 6 है ये तो पूरा एक नंबर है, इसमें से 6 ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 678 में से 6 अगर आपको निकालना है तो आपको इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक बार डिवीजन का यहाँ पर प्रयोग हुआ। उसी तरह से इसमें से अगर 7 निकालना है तो ये जो पहले डिवाइड करा था उसके बचे हुए नंबर को, जो रिमाइंडर है, उसको फिर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 7 आ जाएगा, और फिर जो बचा हुआ है वो 8 आएगा। तो आपको ये जो इंडिविजुअल संख्याएं हैं ये अगर निकालनी है तो इसमें डिवीजन का प्रयोग हो रहा है, और वो कंप्यूटर अंदर से अपने आप से कर रहा है, हमें पता भी नहीं चलता, और वो करे जा रहा है। और इसी तरह से इन छोटी चीज़ों के ऊपर, इन प्रक्रियाओं के ऊपर जो कंप्यूटर अपने आप करता है, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और यही, इसी को हम कंप्यूटर की भाषा करते हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज ऑल ऑफ दिस डिवीजन बाय द वे हैपन्स विद द पावर ऑफ 2। ये जो हम कर रहे हैं अभी तो गणित में 10-10 की पावर में कर रहे हैं असल में, और ये मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 2 मिनट में इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। जो गुणा है ये 2 की भाषा में बड़ा मज़ेदार तरीके से होता है, एक बड़ी रोचक तरीका है, और 2 को ही सिर्फ इस्तेमाल करके, डबल डबल करके ही आप कैसे गुणा कर सकते हैं, इसके एक बड़ी बढ़िया, मान लीजिए आपको 13 को 15 से गुणा करना है, तो हम क्या करते हैं, 13 को 15 से अगर गुणा करना है तो 15 × 3 = 45, यहाँ पे 5 आ गया, और ये 4, 15 × 1 = 15 and 4 = 95। इसके जगह हम क्या कर सकते हैं, 13 कर दें, 13 को आधा कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 को आधा कर देंगे तो 3 आ जाएगा, उसको आधा कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और इधर इसको डबल कर देते हैं, तो ये देखिए कंप्यूटर आधा आधा करता रहा, और इसको हमने डबल कर दिया, 15 double 30 double 60 और डबल 120। अब इनमें ये जो जो भी ऑड नंबर्स हैं वहाँ 0 लिख दें, बाकी सब में 1 कर दें, क्योंकि ये इवन नंबर को 0 कर दें, बाकी जो ऑड हैं इसमें 1 कर दें, और फिर ये जो जो भी 0 हैं ये सब तो 0 की जो के साथ ये गुणा हो गया तो ये कट गया, और यहाँ पर ये 3 बच गए, तो 15 + 60 + 120 आप जोड़ लीजिए, 195 आ गया, सिर्फ डबल और आधा करके ही हुआ। एक और उदाहरण 2 मिनट में देख लें, अगर यही काम हमें 16 को 25 से करना होता
तो 16 का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, और 25 को डबल कर देंगे, 25, 50, 100, 200 और 400। आप पाएंगे कि ये सब तो इवन नंबर है, इनको इग्नोर मार सकते हैं, ये सीधे आ गया आंसर 400, 16 × 25, 400 सीधे। ये 2 की पावर है, और अगर कोई इसमें आगे जाए, और विद दैट दैट इज द लास्ट एक्टिविटी एंड विद दैट आई विल ब्रेक यू फॉर द होमवर्क, यू कैन ऑल्सो सी दैट अगर 3-13 के लिए आप कहेंगे कि 2 की पावर में ही क्यों करना है, 3 की पावर में कर देते हैं, और ये चला क्यों, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज हाउ डिड दिस वर्क, दिस इज योर होमवर्क, प्रूव दैट दिस ऑलवेज वर्क्स, ये हमेशा चलता है, ये आपको प्रूव करना है 2 की पावर में। अगर इस तरह से वो अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं तो उसमें यही है, 13 को 15 से जब गुणा कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 और 4 और 1, तो ये 15 को 8 से गुणा कर रहा है, 4 से और 1 से, आप देख पाएंगे कि यही प्रक्रिया कुछ यहाँ पर हो रही है, और ये डबल में कुछ खास बात नहीं है। अगर 13 को हमें 15 से गुणा करता और 3 ट्रिपल करके करना होता तो भी यही काम कर सकते थे, 13 को हम ये लिख सकते थे 13 इस बराबर, तो वो आप चलिए करके देखिए, मैं 13 को हम 9 में कितने जोड़ेंगे, 4, 9 + 3 + 1 9 + 3 + 1, और इधर 15 को अगर 3 बार गुणा कर दिया तो 45 आ जाएगा, और 3 बार गुणा कर दिया तो 135 आ जाएगा, एंड यू विल फाइंड दैट अगर हम इन तीनों को भी जोड़ देंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो भी 195 आ जाएगा। सो यू हैव टू सी दैट दिस मैजिक दैट वी शोड दैट वर्क्स फॉर बेस 2, why do we start division from left digit, absolutely wonderful question, thank you so much for popping it, aapne hamara ek thank you very much, mera pura kaam bhi ho gaya hai aur main 5 minute hi aapke samay zyada liya, thank you so much, but absolutely brilliant, main just khatam kar deta hu isko bilkul yahi rakhiye, isko hataiye mat, bahut hi sundar sawal inhone pucha hai, jinhone bhi ye sawal pucha hai main isko thoda sa upar hila deta hu, bahut hi sundar sawal hai, aplos mathematics ne jo sawal pucha hai, thank you very much aplos mathematics for asking this question, mere man mein yahi hamesha, and with that question we will leave you, and we will the next episode or maybe one after that we will do exactly on this question, so please send us your interesting questions, taki hum ye hamare man ka sawal inhone puch liya kyunki hamare paas samay nahi tha isliye hum nahi kar pa rahe the, aap dekhenge ki plus minus multiply aap ek disha se karte hain aur divide dusri disha se kar dete hain, kyon kar dete hain, left ki jagah right se kariye na bhai, kya dikkat hai, तो इसी के ऊपर चर्चाएं होंगी कि इधर से करते हैं तो क्यों करते हैं, उधर से करते हैं तो क्यों करते हैं, और क्यों उल्टा सीधा नहीं कर देते हैं, और करेंगे तो क्या होगा और क्यों नहीं होता है, इसके ऊपर बिल्कुल एब्सोल्युटली चर्चा होगी इन चीज़ों के ऊपर। हमें कोई पूछ ले कि भाई क्यों करते हैं, 3 प्लस माइनस मल्टीप्लाई एक दिशा से चलते हैं, डिवाइड में उल्टा क्यों कर देते हो, हमारे पास उत्तर नहीं होते, वी विल हैव टू एक्चुअली आस्क दैट क्वेश्चन एंड एक्सप्लोर द आंसर, बिकॉज दैट इज कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग, कंप्यूटर किस तरह से काम करता है इसके पीछे निहित है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग अस योर क्वेश्चंस, प्लीज डू मेक श्योर यू सबमिट योर होमवर्क्स, इन द एंड ऑफ कोर्स आई विल शो यू दैट एंडिंग स्लाइड ऑफ मेरा 30-30 स्टैम्प कहाँ चला गया, ये एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल टॉय दैट वी मेड इन द लैब, थैंक यू सो मच, मैं इस विद इन द एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग बैक आर टीम, गौरव हु डज द स्क्रिप्ट, नीरज हु मेक्स ऑल दीज प्रॉप्स, जो आपका होमवर्क आपके पास पहुँचता है तपस और ये जय मिलकर करते हैं, ज्योति हु मैनेजेज एवरीथिंग, सरिता हु टेक्स केयर ऑफ ऑल द फीडबैक, जनार्दन एंड सतीश हु, मैं एक्चुअली ले आता हूँ उन लोगों को स्क्रीन पर, एंड थैंक यू वेरी मच। मैं भूल गया था आपको होमवर्क ये बताना कि ये जो आपको प्रक्रिया करी थी शायद नहीं दिख रही है, ये बेस 2 की थी, यही मल्टीप्लीकेशन अगर 3 में करना हो, ट्रिपल कर करके और 1/3 कर करके करना हो तो कैसे करेंगे, दैट विल बी योर होमवर्क, एंड विद दैट आई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, डू सेंड अस योर फीडबैक एंड क्वेश्चंस एंड सब्सक्राइब एंड सेंड इट टू योर फ्रेंड्स, आई विल ब्रिंग माई कलीग्स हियर राइट नाउ, फॉर दैट आई विल हैव टू प्रेस 1 or 2 बटन्स, लेट मी ब्रिंग डू दैट राइट नाउ, जूम ऑन कर दिया और इनको DSLR को ऑफ करना पड़ेगा, एंड दैट्स इट आई थिंक, आर दिस इज तपस, थैंक यू सो मच, एंड ये व्यू गैलरी, हाँ, सो हेयर वी ऑल आर, देर इज तपस इन द लेफ्ट टॉप लेफ्ट, सॉरी जय इन द टॉप लेफ्ट, जय डज ऑल योर होमवर्क, सो मैं ये हटा दूँ, नीचे कर देता हूँ,
दैट इज मी नीरज बॉस, नीरज एंड आई एंड पंकज मेड दिस एनिग्मा मशीन जो मैंने आपको दिखाई, भारत में अकेली ही मशीन है। अब आप लोग ऑफकोर्स स्विच ऑफ कर सकते हैं, अब मैं एक्स्ट्रा टाइम है कुछ भी बोल रहा हूँ। जनार्दन हु ऑफकोर्स टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग इन द लैब, ज्योति मेक श्योर दैट एवरीथिंग रन्स ऑन टाइम, कम्युनिकेशंस हैपन्स बाय दिस इंटरेस्टिंग पर्सन पंकज जो आपके सामने बैठे हैं, गौरव हु डज द स्क्रिप्ट एंड सॉर्ट ऑफ उनकी जो भी कहें हमें मानना पड़ता है, जो भी जोक्स वो बोले हमें आपको सुनाने पड़ते हैं, इज द स्क्रिप्ट राइटर फॉर अस। सरिता टेक्स केयर ऑफ ऑल द फीडबैक, तपस डज होमवर्क एंड देयर इज सतीश हु मैनेजेस द लैब। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी। आईसर टीम आज जुड़ नहीं पाई, देर इज यू नो द होल ऑफ आईसर टीम हु इज वर्किंग विद अस टू ब्रिंग दीज प्रोग्राम्स टू यू, एंड थैंक यू विज्ञान प्रसार फॉर यू नो टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस। थैंक यू सो मच एंड विद दैट आई विल टेक यू टू द, प्लीज डू मेक श्योर यू सबमिट योर होमवर्क एंड subscribe.